सो हे गाइज, अगर आप भी फेसबुक यूजर हो और आपके फेसबुक यूज करने से आपका 1.5 GB डेटा पैक बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं फेसबुक के 5 ऐसे सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप अपने फेसबुक ऐप में इनेबल कर लेते हो तो आपका 1.5 GB डेटा पैक 24 घंटे चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहला सेटिंग हमारा ये है कि सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको कोने में 3 लाइन का आइकन मिलेगा, तो सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना होगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको आना होगा नीचे, और नीचे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक आइकन मिल जाएगा देखने को, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऊपर एक सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, तो सिंपल सा आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना होगा। और सेटिंग्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको आना होगा थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे मीडिया एंड कॉन्टेक्ट्स का एक आइकन मिल जाएगा आपको देखने को, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमारा पहला सेटिंग ये है कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा वीडियो इन न्यू फीड विथ साउंड। क्या होता है, जब भी कोई भी वीडियो आपके सामने आता है तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पे प्ले हो जाता है। आप प्ले नहीं करते हो फिर भी ऑटो प्ले हो जाता है। तो सबसे पहले इस सेटिंग को आपको बंद कर देना होगा अगर आपने इनेबल कर रखा है तो। सबसे पहला सेटिंग ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड सेटिंग की ओर। तो भाई लोग, जो हमारा सेकेंड सेटिंग है ये हमारा अपलोड वीडियो इन HD का है। दोस्तों, फ़ोटो तो हर कोई फेसबुक पे अपलोड करता है, लेकिन वीडियो कोई भी अपलोड नहीं करता। अगर आप वीडियो अपलोड करते हो HD क्वालिटी में तो इसको आपको ऑन किए रहना है, और अगर आप इसे यूज नहीं करते हो, वीडियो अपलोड नहीं करते हो फेसबुक पे, तो इसको आपको ऑफ कर देना होगा। इससे आपके डेटा को ये काफ़ी ज़्यादा बचाएगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सेटिंग की ओर। तो जो हमारा थर्ड सेटिंग है ये हमारा ऑटो प्ले है। तो सिंपल सा ऑटो प्ले पे आपको क्लिक करना होगा, और ऑटो प्ले पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको नेबर ऑटो प्ले वीडियोज का एक आइकन है, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करके इसे आपको इनेबल कर देना होगा। इससे क्या होगा, जब भी आप फेसबुक ओपन करेंगे और आपके सामने कोई भी वीडियो आएगा तो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। इससे आपके डेटा को वह काफ़ी ज़्यादा बचाएगा। और अगर आप इसे इनेबल नहीं करते हो तो जब भी आप कभी भी अपना फेसबुक ऐप ओपन करते हो और आपके सामने कोई भी वीडियो आएगा तो वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, और इससे क्या होगा, आपके वो नेट को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगा। तो ये सेटिंग आप कर लेना। और हमारा चौथा सेटिंग ये है ब्राउज़र सेटिंग। ब्राउज़र सेटिंग यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा देखने को, तो सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको योर ब्राउजिंग डाटा का एक आइकन मिलेगा, तो उसके बगल में आपको एक सेटिंग मिलेगा क्लियर का, तो सिंपल सा आपको क्लियर पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप क्लियर करते हो तो आपके फेसबुक ऐप में जितना भी कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, और वो आपके फेसबुक को एकदम नया कर देगा। इससे भी आपके डेटा को काफ़ी ज़्यादा बचाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं 5 सेटिंग की ओर। तो बैक करके आना होगा आपको सेटिंग्स में, और यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सेलुलर डाटा यूज का एक आइकन आपको मिल जाएगा, तो सिंपल सा आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाटा सेवर का एक आइकन मिल जाएगा, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करके इसे भी इनेबल कर देना होगा। अगर आप इसे इनेबल कर देते हो तो क्या होगा, ये आपके डेटा को कम से कम खर्च करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी 5 सेटिंग्स के बारे में बताने वाले थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेसबुक यूजर के लिए। अगर आप अपना डाटा बचाना चाहते हो तो इस 5 सेटिंग्स को ज़रूर इनेबल करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।